वेलकम टू माय चैनल कोमल वासवानी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए तुअर दाल। ये मेरी 150 ग्राम दाल है जिसको मैंने पहले से ही भिगो के रखा था आधा घंटा पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप उसे बस यूं ही उसी टाइम पे दो तीन पानी से अच्छे से धो के उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब हम इसे बनाएंगे। मैंने कुकर चढ़ा लिया है, इसमें मैं डालूंगी दो गिलास पानी। दाल को मैंने अच्छे से तीन चार पानी से मैंने वॉश कर दिया था। अब इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी। बस हमें तीन से चार सीटी लगानी है ऐसे। अब हम सांभर के लिए तड़का बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, राई, राई हमारी बिल्कुल चटक चुकी है। अब डालेंगे हम दो सूखी लाल मिर्चें और इसके ऊपर हम डालेंगे ये स्लाइसेस कट किया हुआ प्याज। ये मैंने एक प्याज डाला है। अब इसे हम ब्राउन करेंगे। बस हमें इतना ही ब्राउन करना है प्याज को। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा ये कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये मेरा फ्रेश नारियल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बस इसे हमें यूं थोड़ा इसमें तेल में भूनना है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें दो तीन टमाटर। दो तीन हरी मिर्चें, बस इसे डालकर हमें थोड़ा टमाटर को हमें पकाना है। टमाटर अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सिंग और ये पेठा जिसे पंपकिन भी कहते हैं। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी दाल में भी डाला है नमक। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये सांभर मसाला। ये सांभर मसाला जो है वो बाजार का जो मार्केट से हम लेके आते हैं सांभर में डालने के लिए वो नहीं है, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है जिससे टेस्ट सांभर की बिल्कुल हमें रेस्टोरेंट स्टाइल आती है। बस हमें इसे एक चम्मच डालना है और इसे डाल के और इस मसाले की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है तो इसे आप जरूर देखें। और इसे डालने के बाद हमें कोई भी जो मार्केट का आता है सांभर मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे हम थोड़ा यूं मिलाएंगे। और हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक हमें ढककर रखना है ताकि हमारी जो भी ये सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाए। ये सांभर मसाला आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब कभी आप सांभर बनाएं तो इसे मतलब आप थोड़ा सा बना रहे हो सांभर तो एक चम्मच डालिए, अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो दो चम्मच, आपके हिसाब से है, आप उस तरीके से यूज कीजिए। मगर इसकी टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है सांभर मसाले की, तो आप प्लीज उसे जाए और उसे जरूर देखें। अब हम थोड़ा दाल को मैश करेंगे। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, पूरी सब्जियां सब अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम जो दाल को हमने मैश करके रखा था उसमें हम मिक्स करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा इमली का पल्प और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा।
सांभर में मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया क्योंकि बहुत थिक था, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। और हमारा बस अभी सांभर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें तीन चार अच्छे से उबाले आ चुके हैं। अभी इसमें सर्व करने जा रही हूँ। और प्लीज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।